Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class. और आप सभी को बताएं कि क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 4th बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट थे इन सभी चैप्टर्स के एंड फाइनली लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. दोस्तों, इसमें हम इस्लाम जगत के उदय और विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे. मिडिवल हिस्ट्री जो वर्ल्ड की थी, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है 7 पार्ट के अंदर. ये वीडियो का लास्ट पार्ट है. इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चुरल चीज़ें, मतलब है ना. तो हम जानने की कोशिश करेंगे बाय 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम की दुनिया एक ऐसी दुनिया हो गई जिसमें बहुत सारे रिलीजियस बिल्डिंग्स बनने लग गई. और दोस्तों, रिलीजियस बिल्डिंग पूरी तरीके से किसी भी यात्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो, चाहे वो मिड एशिया में रह रहा हो, चाहे वो अरब में रह रहा हो, वो बहुत आसानी से देख के बता सकता था कि मस्जिद है ये, इस मस्जिद के अंदर ये प्लेस इबादत वाला है, ये प्लेस मकबरे वाला है, इस प्लेस के अंदर बहुत सारे गुम्बद बने हुए हैं, बहुत सारे मीनार्स बने हुए हैं, खुले इलाके अलग है, रहने का इलाका अलग है, लोग कहाँ पे विश्राम करेंगे, रेस्ट करेंगे, वो प्लेसेस अलग है, लोग कहाँ प्रार्थना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, वो इलाका अलग है. इसकी शुरुआत तो दोस्तों मक्का और मदीना से हुई थी, लेकिन 10वीं शताब्दी तक आते 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 आप ये समझने की कोशिश करेंगे, आप ये देखेंगे कि कैसे उन बिल्डिंग्स को इतना ज़्यादा मॉडिफाई करने की शुरुआत करी गई. यानी कि दोस्तों, जो हमारी आर्किटेक्चुअल चीज़ें थी, जो आर्किटेक्चुअल यानी कि वस्तुकला थी, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए यानी कि इस्लामिक लोगों के लिए उनके स्पिरिचुअल्स की पहचान थी. वो ये बताने की कोशिश करती थी इमारतें कि उनका अध्यात्म कैसा है, उनका जो उनकी व्यवहारिक ज़रूरतें हैं वो कैसी है, मतलब ये वस्तुकला, ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हैं कि इनका जो स्पिरिचुअल गॉड से यानी कि जो हमारे अल्लाह हैं उनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्या होगी, कहाँ पे हर शुक्रवार के दिन दोपहर में नमाज होगी, कहाँ पे मंगलवार को होगी, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी तो वो प्लेस कौन सा होगा, दैनिक प्रार्थनाएं कैसी होंगी, वीकली के अंदर प्रार्थनाएं कैसी होंगी, या मैं बोल सकूं कि अगर कोई इस्लामिक कैटेगरी के लोग एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सब कहीं ना कहीं आर्ट एंड आर्किटेक्चुरल चीज़ें दिखाता है. अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये कि उमियाद जब खलीफा लोग आए थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दिया था. शुरुआती समय पे इन लोगों ने बहुत सारे रहने के लिए सराय बनाए थे जो बाहर से विजिटर्स आते हैं, बहुत सारे मस्जिद बनाए थे, मकबरे बनाए थे, और अस्पताल भी इन्होंने उस शेप में बनाने की कोशिश करी थी जो इस्लामिक पहचान देने की कोशिश करता हो. ये इन्होंने अपने जो बड़े बड़े मतलब कह सकते हो महल बनाए थे वो भी इन्होंने ऐसे ही बनाने की कोशिश करे थे. जैसे कि आप देखेंगे नखलिस्तान के अंदर इसे मरुस्थली महल कहा जाता है, मरुस्थली महल इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन फिलिस्तान के अंदर बनाया गया ये जिसे आप खिरबत अल, इसे थोड़ा सा आप देख सकते हैं खिरबत अल मज़ार बोला जाता है इसे उनकी लैंग्वेज के अंदर. साथ में जॉर्डन के अंदर एक और बनाया गया इलाका है जिसे खुईसर अमरा बोला जाता है, जॉर्डन के अंदर बनाया गया. दोस्तों, ये ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे दिखाने की कोशिश करी जाती थी कि कैसे इन मस्जिदों को और मकबरों को बनाया जाता था. सबकी अपनी पहचान होती थी, साथ में कुछ ऐसे प्लेसेस बनाए जाते थे जो खेलने कूदने के लिए होते थे. इसकी कहीं ना कहीं मेंशन जब उमियाद लोगों ने बनाया था तो उमियाद लोगों ने इनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी किताबों के अंदर मतलब इनकी पिक्चर्स बनाई थी, इनकी स्ट्रक्चर्स बनाए थे, इनके स्टैचूज बनाए थे, जो कहीं ना कहीं हारून अल रशीद ने अपनी कहानियों के अंदर जिक्र भी करा था. दोस्तों, यही नहीं, अब्बासी लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को बनाया था. अब्बासी लोगों ने उस समय पर धार्मिक कला को बहुत इम्पोर्टेंट समझा. उन्होंने समझा कि जो हमारी जो लिखने वाली कलाएँ होती हैं ना, उसको हमें कैलीग्राफी अच्छी करनी चाहिए और साथ में हमें पिक्चर्स बहुत अच्छी डालनी चाहिए. तो इसीलिए जितनी भी उस समय पे किताबें लिखी जाती थी उनको लिखने का तरीका और उनकी जो पिक्चर्स होती थी
उन सभी को उस इतनी अच्छी तरीके से सजाया जाता था जो किताब एक अलग ही नमूना पेश कर सके। मतलब किताबों को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। आज की डेट में आपने देखा होगा जब हमने अपना संविधान बनाया था तो संविधान के टाइम पीरियड पे भी हम लोगों ने उस किताब को इतनी अच्छी तरीके से सजाने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं लोगों को वो फोकस्ड लगे, मतलब लोगों को बिल्कुल एक अजूबा लगे कि यार ये किताब कितनी अच्छी कितनी सुंदर है। तो ऐसे इस्लामिक लोगों ने भी यही करा। और दोस्तों अगर हम इस्लाम धर्म के सभी क्षेत्रों की स्टडी करेंगे तो हमें सिंपल शब्दों में ये पता चल पाएगा कि इस्लाम ने पूरी तरीके से धर्म के ऊपर फोकस करा, अपनी कम्युनिटी के ऊपर फोकस करा और साथ में इन लोगों ने अपनी राजनीति के ऊपर फोकस करा। धर्म की बात करें तो इन्होंने धर्म अपने पूरे अरब के अंदर और अरब के आसपास जितने भी इलाके थे वहाँ फैलाया। कम्युनिटी की बात करें तो चाहे सुल्तान आए, चाहे खलीफा आए, चाहे मोहम्मद आए, चाहे मतलब पैगंबर मोहम्मद है, कोई भी है, इन सभी लोगों ने अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचा। साथ में इनकी राजनीति ऐसी बनी रही कि ये अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर सके। इसलिए शारिया कानून आप देखेंगे, शारिया कानून मुस्लिम कम्युनिटी को इफेक्ट करने वाले कानूनों में से एक था। आज अगर मैं बात करूँ 12th century के बाद की हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो आज 2020 चल रहा है तो शारिया कानून हर तरीके से अब सभी मुस्लिम कम्युनिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, है ना। लेकिन जो चीज़ें हमें ये सिखा के गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन समय के साथ साथ अब सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता मिल चुकी है, लोग ये जो रीति रिवाज कस्टम्स है इनसे बहुत ऊपर उठ के सोचने लग गए हैं, है ना। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर इतना ही था। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में नई सीरीज़ के साथ, और नई सीरीज़ के हिसाब से न्यू सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर्स आने वाले हैं उस पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।